बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम आपको दो तरह की छलियाँ बनाना सिखा रहे हैं, उबली हुई और भुनी हुई। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक में भुनी हुई छलियाँ। तो इसको बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ जाएगी, वो है नमक। इसमें हम इसे भुनेंगे। आइए हम अपनी छली को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी छली रेडी है, अब हम इसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए हम अपनी छलियाँ भूनते हैं। नमक को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया। मेरे पास ये 2 कप के बराबर नमक है, प्लेन नमक है, कोई खास नहीं है। ये प्लेन नमक जो आम घरों में इस्तेमाल होता है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। नमक मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। नमक जैसे जैसे गर्म होगा इसका कलर बदलता जाएगा। जितना अच्छा नमक गर्म हुआ हुआ होगा उतनी ही अच्छी आपकी और जल्दी छली बन जाएगी। वक्फे वक्फे से हम इसे चेक करते रहेंगे। आंच को आपने हाई पे ही रखना है, मीडियम या लो पे नहीं। ये देखें छली बुनना स्टार्ट हो गई है। हमारी छलियाँ तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। हम इनके ऊपर साथ साथ नमक को डालेंगे ताकि ऊपर से भी अच्छा सा कलर आ जाए। हमारी छलियाँ भुनकर रेडी हो गई, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, देखिए हमारी छलियाँ कितनी खूबसूरत भुनी है। अभी हम इन्हें सर्व करेंगे। इनके ऊपर हम लोग पहले चाट मसाला लगाएंगे लेमन के साथ। सर्व करने से पहले आप इन्हें झाड़ कर इनका एक्स्ट्रा नमक निकाल सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप पहला तरीका देख चुके हैं भुनी हुई छली का। अब हम दूसरा तरीका बनाने लगे हैं, उबली हुई छली। इसके लिए हमें चाहिए छलियाँ। एक टेबल स्पून के बराबर तेल और 1 चम्मच नमक। इसको हम 1 घंटे के लिए प्रेशर लगाएंगे और हमारी छलियाँ रेडी हो जाएंगी। हमारी छलियों को उबलते हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखिए ये उबल के रेडी हो गई हैं, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। हमारी छलियाँ रेडी हैं, अब आप भाई हम इन्हें सर्व करते हैं लेमन के साथ चाट मसाला लगा के। अगर आप स्पाइस पसंद नहीं करते तो आप सादा नमक भी लगा सकते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।